तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, मेरा नाम है धुमेंद्र। आज के इस वाले वीडियो में जैब्रोनिक जैब मैक्स प्रो वीटो कीबोर्ड का हम लोग जो है रिव्यू करने वाले हैं। इस कीबोर्ड को मुझे यूज़ करते हुए 1.5 से 2 महीने के अराउंड हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और प्यारा कीबोर्ड यहाँ पे आपको मुझे बॉक्स इस टाइप से देखने को मिल जाता है। बॉक्स में यहाँ पे आपको पहले में सबसे पहले कीबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जैब मैक्स प्रो V2 की ब्रांडिंग वर्जन 2 वाला है ये जो है, और यहाँ पे आपको इसके की फीचर देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड में यहाँ पे आपको की फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको यार कौन इंपोर्ट किया, कितने का पैसा है, क्या है, ये वो सब चीज़ देखने को मिल जाता है। बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है। बॉक्स रखते हैं अपन लोग जो है साइड में। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के स्विचेस के बारे में। तो इस कीबोर्ड में आपको कस्टम मेड ब्लू स्विचेस देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल होने के साथ साथ क्लिकी भी है, और ये जो यार एकदम सेटिस्फैक्ट्री वाला क्लिकी साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। इस कीबोर्ड के हर एक की का जो है यार लाइफ स्पैन जो है 80 मिलियन की स्ट्रोक है। मतलब जब तक कि आप इसको 80 मिलियन टाइम प्रेस नहीं करोगे तब तक ये जो है ख़राब नहीं होने वाला है। इसके साथ ही यार ये जो कीबोर्ड है एक फुल साइज कीबोर्ड है। यहाँ पे आपको 104 की देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो 12 हॉटकीज भी देखने को मिल जाते हैं जो कि प्ले पॉज कैलकुलेटर ओपन करने के काम आता है। तो यार मेरे हिसाब से इसका जो कीबोर्ड का जो स्विच है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। इस कीबोर्ड के की कैप्स की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको डबल इंजेक्शन मोल्डेड की कैप्स देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। डबल इंजेक्शन मोल्डेड की कैप्स इस कीबोर्ड को फ्लोटिंग सस्पेंडेड लुक्स प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इसका जो की कैप्स है काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का बना हुआ है जो कि 2 लेयर के ABS के साथ बना हुआ है जो कि रिमूव करने और अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसके साथ साथ इस कीबोर्ड में आपको जो है की पुलर भी देखने को मिल जाता है। इस कीबोर्ड के अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इस कीबोर्ड का डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा उम्दा क्वालिटी का डिज़ाइन है। इसका जो पहले वाला डिज़ाइन आता था वो मेरे को ज़्यादा प्यारा लगता था क्योंकि ज़्यादा एकदम मेटलिक फील देता था। इसके बाद अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी यार इस कीबोर्ड का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आपको 896 ग्राम का जो है वेट देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है इसके प्रीवियस जनरेशन की तुलना में। मतलब जो प्रीवियस जनरेशन था वो 1.34 किलोग्राम्स के अराउंड था और इसमें आपको जो है 400 से 500 ग्राम जो है लेस देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो है प्लास्टिक और मेटल के बिल्ड के साथ आता है। मतलब जो नीचे का बेस है वो प्लास्टिक के कंस्ट्रक्शन के साथ आता है और जो ऊपर का जो प्लेट है जहाँ पे कीज लगे हुए हैं वो मेटल के कंस्ट्रक्शन के साथ आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील देता है जब आप उसमें अपना हाथ रखे तो ठंडा ठंडा फील आता है। तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो इस कीबोर्ड को अगर आप जो लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हो 8-10 घंटे तक के तो अर्गोनॉमिक्स इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपको कोई भी टाइप से जो है पेन फील नहीं होगा अपने हाथों में। इस कीबोर्ड के फीचर्स की बात करें तो इसमें आप जो है अपना विंडोज की जो है एनेबल और डिसेबल कर सकते हो जो कि गेमिंग के टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप उसको गलती से प्रेस कर देते हो तो अगर पूरा गेम जो है बंद हो जाता है। इसके साथ इसके सेकंड फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड मीडिया कंट्रोल कीज देखने को मिल जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। इस कीबोर्ड में आपको यार ब्लेजिंगली फास्ट पोलिंग रेट देखने को मिलता है जो कि 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आपके सिस्टम में जो है डेटा भेजने के काम आता है। मतलब जब आप एक की को प्रेस करते हो तो जो 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ वो जो डेटा है आपके सिस्टम में रजिस्टर होने वाला है। इसी के साथ ज़्यादा पोलिंग रेट इस कीबोर्ड को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना देता है। इस कीबोर्ड की अगर RGB लाइट्स की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको पर की RGB लाइट देखने को मिलता है। मतलब हर एक की का इंडिविजुअली एक RGB लाइट है जो कि एक चिप के थ्रू जो है कंट्रोल होता है जो कि यार इस कीबोर्ड को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इल्यूमिनेट कर देती है। इसके साथ साथ इस कीबोर्ड की अगर RGB लाइट की फंक्शनलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 18 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसका आप जो ब्राइटनेस 4 लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो। स्पीड और डायरेक्शन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसके साइड पैनल्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपको RGB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसको आप जो है 11 मोड्स तक कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लॉक है वहाँ पे आपको जो है रेड कलर का जो है LED देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई RGB प्रोवाइड नहीं किया है नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लॉक में। जब आप उसको प्रेस करते हो तो वहाँ पे उनका जो इंडिविजुअल लाइट है वो जल जाता है। इस कीबोर्ड के अगर केबल की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको 1.8 मीटर का ब्रेडेड केबल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो USB कनेक्टर मिलता है वो भी गोल्ड ब्रेडेड देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के टाइपिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का जो है मिलने वाला है। मैं पिछले 1.5 महीने से इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ बट मुझे अभी तक के ऐसे कोई फीलिंग नहीं आया कि इसके जो कीज़ है थोड़े से डिग्रेड हो रहे हैं या फिर डिप्रिशिएट हो रहे हैं। आपको जैसा 1.5 महीने पहले मिला था एक्सपीरियंस वैसे का वैसे आज के डेट में मुझे मिल रहा है। मुझे यार बटन को जब प्रेस करोगे जो क्लिकी साउंड आता है मज़े ही याद आते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप किसी भी बटन को इसके प्रेस करते हो। इसके साथ साथ इसके की स्ट्रोक प्रेशर की बात करें तो 60 ग्राम है और साथ ही साथ इसके की ट्रेवल की बात करें तो जो 4 mm से 0.5 mm के अराउंड है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो रबर की पैडिंग देखने को मिल जाती है जो कि इस कीबोर्ड को आप कितना भी टाइप कर लो या अपने जगह से टच से मस्त नहीं होता।
इसके साथ इस कीबोर्ड के हाइट को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जो आपको वहाँ पे नीचे में लॉक दिया गया है उसमें भी आपको जो है रबर की पैडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि यार इस कीबोर्ड को काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड बना देता है। तो अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के कॉन्स के बारे में। तो इस कीबोर्ड में आपको दो तीन कॉन्स देखने को मिलते हैं। मेरा काम है आपको हर चीज बताना प्रो से लेकर कॉन्स तक के। तो सबसे पहले कॉन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप से मैक्रो की का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। मतलब आप जो है जब गेम खेलोगे तो एक्स्ट्रा कीज होते हैं ना, वो काफी ज्यादा हेल्प कर देते हैं, उस की का जो यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है यहाँ पे आपको रिस्ट रेस्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर ज्यादा टाइम तक आप खेलते हो 15-20 घंटे तक के, तो आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द देखने को मिल जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको जो है आउटर बॉडी वो प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, और जहाँ पे कीज लगे हुए हैं वहाँ पे आपको एक मेटल की फ्रेमिंग देखने को मिल जाती है। अगर इसकी आउटर बॉडी को भी इन लोग मेटल का देते तो जैसे कि इसके प्रीवियस वर्जन में आता था, तो यार इस कीबोर्ड का जो प्रीमियम जो क्वालिटी और ज्यादा इन्हांस हो जाता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको यार ब्लू स्विचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रेड और ब्राउन स्विचेस का जो सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, और इसका जो ब्लू स्विचेस यार काफी ज्यादा लाउड है। मतलब जब आप इसको प्रेस करते हो तो काफी ज्यादा साउंड जो प्रोड्यूस करता है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो यहाँ पे यार इस कीबोर्ड को आप अगर 4000 रुपए का आपका बजट है तो डेफिनेटली खरीद सकते हो। मैं पहले कॉस्मिक बाइट या फिर रेड गियर के साथ जाने वाला था, बट मैंने सोचा कि यार अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा महंगाई वाले कीबोर्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो यार इस कीबोर्ड का जो आउटकम है, जो फील है, टाइप करने का एक्सपीरियंस है, काफी ज्यादा बढ़िया है। 4000 अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप इसी कीबोर्ड को ही खरीदना। इसका जो पुराना वर्जन है उसको मत खरीदना, क्योंकि वहाँ पे आपको जो 50 मिलियन की स्ट्रोक का जो है कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 80 मिलियन का जो है की स्ट्रोक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो बेटर यही है कि आप जो है नया वर्जन ही खरीदना। हालांकि यार मेरे को जो पुराने वर्जन का जो मेटल बिल्ड है काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, बट जो कीज की क्वालिटी इसमें इंप्रूव हो चुकी है, तो आप इस कीबोर्ड को जो डेफिनेटली खरीद सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, पीस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।